नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जॉनी बेयरस्टो, सैम करन और मार्क वुड को आराम दिया है, जिस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि चयनकर्ताओं ने पहले दो मैच के लिए जॉनी बेयरस्टो को विश्राम देने का निर्णय करके गलती की है। तो वहीं इस पर अब जॉनी बेयरस्टो ने बड़ा बयान दिया है। इंग्लिश बैट्समैन बेयरस्टो ने स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट से बाहर रहना जोखिम हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रेक लेने के लिए कोई और समय नहीं है और वो तरोताजा होकर बाकी दो मैचों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। जॉनी बेयरस्टो ने कहा, यदि अभी मुझे ब्रेक नहीं देते तो कब देते। इस समय तो दुनिया का यही हाल है, हर खिलाड़ी दौरे पर सभी प्रारूप के हर मैच नहीं खेल सकता। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, पहले दो टेस्ट से बाहर रहने में जोखिम है, लेकिन बायो बबल के बाहर परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। आपको बता दें, इंग्लैंड की टीम को भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैचों के बाद 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं और तीनों ही फॉर्मेट में बेयरस्टो का खेलना लगभग तय है। इस लिहाज से इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने पहले दो मैच में उन्हें आराम दिया है, जिसका समर्थन खुद इंग्लिश बल्लेबाज ने किया है। बेयरस्टो के मुताबिक वो इस आराम के बाद और ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे और अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे। बहरहाल, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 फरवरी से चेन्नई में होगी। दूसरा टेस्ट मैच भी चेन्नई में ही खेला जाएगा, जो 13 से 17 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इसके बाद अहमदाबाद में आखिरी के दो टेस्ट मैच 24 फरवरी और 4 मार्च से शुरू होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।